सबको नमस्कार। सबको बताने वाले हैं कि कंप्यूटर कोर्स हिंदी में हम शुरू करने वाले हैं, जिसका कि बहुत सारे वीडियोस बनेंगे, बहुत सारे प्लेलिस्ट में आपका सब मिल जाएगा। तो आप हर वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको घर बैठे कंप्यूटर कोर्स आप सीख सकते हैं अभी हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर। अगर आपको कोई कंप्यूटर के बारे में पूछे, आपको अगर कोई सवाल करे कि कंप्यूटर क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे कि कंप्यूटर ऐसा एक मशीन है या कोई ऐसा डिवाइस है कि जिससे कोई भी हमारा काम होता है, जो डिफ़िकल्ट होता है वो आसानी से हो सकते हैं, या जो काम में हमको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, समय लगता है, वो कम समय में हो सकता है, उसे हम कंप्यूटर कहते हैं, मशीन कहते हैं, या जो बहुत सारे इंसानों का काम अकेले कर सकता है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो सही सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो डेफिनेशन है वो है कि कंप्यूटर की काम करने की जो प्रोसेस है उसके ऊपर, चाहे दुनिया के कोई भी कंप्यूटर हो वो इसी प्रोसेस से ही काम करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी कि कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाली, इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली, करंट, विद्युत, बिजली जो भी आप बोलते हैं, ठीक है, उससे चलने वाली एक डिवाइस है। यहाँ पर आप मशीन शब्द भी लिख सकते थे। इसका काम क्या है, व्हिच टेक्स एन इनपुट, वो इनपुट को लेता है, इनपुट को लेना, इनपुट क्या है आगे हम आपको बताएंगे। उसके बाद क्या करता है, प्रोसेस द इनपुट, इनपुट की प्रोसेस करता है एंड गिव्स द डिजायर्ड आउटपुट। उसके बाद हमें एक रिजल्ट, जो हम रिजल्ट उससे चाहते हैं वैसा ही रिजल्ट कंप्यूटर हमें देता है। ठीक है, इसी प्रोसेस को ही हम कंप्यूटर का नाम दे सकते हैं। तो चलिए अब इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं मेन मशीन कंप्यूटर की, जिसको मेन मशीन बोलते हैं, जिसको हम CPU बोलते हैं, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इसके अंदर मेनली तीन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो है वो है मेमोरी, ठीक। दूसरा पार्ट यहाँ पर है CU, CU का फुल फॉर्म है कंट्रोल यूनिट। तीसरा जो हमारा इस पर पार्ट है वो है ALU, हम मजाक में इसको आलू भी बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो चलिए इसका फुल फॉर्म हम यहाँ पर लिख लेते हैं। CPU का फुल फॉर्म हम यहाँ पर लिखते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ओके। CU का हम लिख लेते हैं कंट्रोल यूनिट। सबको मैं बताना चाहूँगा, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप हिंदी में कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं, तो ब्लैकबोर्ड पे तो मैं हिंदी में लिखूंगा नहीं, यहाँ पे सब इंग्लिश में ही होगा, लेकिन आपसे हमारी जो डिस्कशन होगी वो हिंदी में होगी। तो आप कॉपी पेन लेके बैठिए और ये सारे चीज़ आप नोट कर लीजिए, वीडियो को कहीं अगर रुक के नोट कर सकते हैं, और डिस्कशन में ये सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। ये डायग्राम तो नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी सारा चीज़ आपको मिल जाएगा, नोट करके रख सकते हैं, ताकि आप डेली जब इसको करें तो आपको लगे कि हाँ आप किसी कोचिंग में या किसी इंस्टीट्यूट में जाके आप सीख रहे हैं, ऐसा आपको लगना चाहिए। उसके बाद है एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है, अब हम इसको डिस्क्राइब करेंगे कि कंप्यूटर किस तरह से काम करता है, जिस काम की प्रोसेस को हम बोलेंगे कंप्यूटर का डेफिनेशन। कंप्यूटर तीन तरीके से काम करता है, एक होता है इनपुट, एक होता है प्रोसेस, दूसरा है प्रोसेस, और तीसरा है आउटपुट। ये इसके काम करने का तरीका है। अब इनपुट किसे कहते हैं, इनपुट उसे कहते हैं जब हम इनपुट डिवाइसेस के साथ, यानी कि इनपुट डिवाइसेस के द्वारा, जैसे कि कीबोर्ड से या माउस से जो भी हम काम करते हैं उसे इनपुट कहते हैं। तो इनपुट डिवाइस के अंदर आता है हमारा कीबोर्ड, सबसे पहले कीबोर्ड आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट यूजफुल इनपुट डिवाइसेस। उसके बाद आता है माउस, और भी बहुत सारे हैं, बाद में आपको लिस्ट बताऊँगा। जब हम इनपुट यूनिट से या इनपुट डिवाइस से, यहाँ पर आप यूनिट भी लिख सकते हैं या डिवाइस भी लिख सकते हैं, ठीक है, इनपुट डिवाइस या इनपुट यूनिट दोनों लिख सकते हैं, आप अपने कॉपी में जरूर लिखिए। इनपुट डिवाइस यानी कि कीबोर्ड से या माउस से जो भी हम काम करते हैं उसको इनपुट कहते हैं, यानी कि उससे हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, आदेश देते हैं कुछ काम करने के लिए। तो कंप्यूटर तभी काम करता है जब कंप्यूटर के सामने बैठ के कोई उससे काम करे, अकेला कुछ नहीं करता। तो जैसे ही हम उसे इनपुट देते हैं वो सारा चीज़ मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाता है, ठीक। मेमोरी क्या करता है, सारे को CPU को भेजेगा, यानी कि यहाँ प्रोसेसिंग चल रहा है, इनपुट अब उसने ले लिया, अब प्रोसेसिंग चल रहा है। मेमोरी CPU को दिया, यानी कि कंट्रोल यूनिट को दिया। कंट्रोल यूनिट कौन है,
कंट्रोल यूनिट मैनेजर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि सब कुछ मैनेज करता है। अगर आप कंप्यूटर स्टार्ट किया अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप कुछ भी, जैसे उसमें कीबोर्ड या माउस की कोई भी प्रॉब्लम अगर होगी कनेक्टिविटी में कुछ में, तो कंट्रोल यूनिट तुरंत आपको बता देगा। ठीक है, इसका काम हमेशा ही चलता रहता है। कंट्रोल यूनिट उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, जो भी हमने उसको दिया है या जो बताया है, सॉल्व करके आंसर फिर से मेमोरी को वापस करता है। ठीक है, मेमोरी के पास जैसे ही आंसर मिल जाता है, मेमोरी तुरंत हमें आउटपुट यूनिट, जैसे कि हमारे पास पहला है मॉनिटर, जिसको हम डिस्प्ले यूनिट बोलते हैं, इस पर हम सब कुछ देख सकते हैं जो भी हम काम करते हैं। दूसरा है प्रिंटर, इस पर हम हार्ड कॉपी प्रिंट करके निकाल सकते हैं। तीसरा यहाँ पर लिख सकते हैं आप स्पीकर, और भी बहुत सारे हैं, इससे हम साउंड को बाहर सुन सकते हैं। ठीक, मेमोरी डिस्प्ले यूनिट पे दिखाया, हमको रिजल्ट दिख गया। ओके, तो दोबारा बताते हैं, इनपुट यूनिट कीबोर्ड माउस से जो भी हम एंट्री करते हैं उसको डाटा एंट्री बोलते हैं, हम डाटा ही एंट्री करते हैं। डाटा के बारे में अभी आते हैं, वो मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, मेमोरी सीयू को भेजता है, सीयू सॉल्व करता है, मेमोरी को देता है, मेमोरी उसे डिस्प्ले यूनिट पे दिखाता है। तो कीबोर्ड पे जब हम प्रेस करते हैं तुरंत हमें दिख जाता है, लेकिन उसके बीच में ये प्रोसेसिंग का काम चलता है, यही प्रोसेस को ही कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है, अब आता है ALU। ALU का काम क्या है? ALU मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका काम है मैथमेटिकल प्रॉब्लम, यानी कि गणित का कोई भी प्रॉब्लम अगर कंप्यूटर के पास जाता है तो वो सॉल्व करता है। कैसे करता है? सेम प्रोसेस, आपने इनपुट यूनिट से इनपुट दिया, मेमोरी में गया, मेमोरी सीयू को भेजा, सीयू उसे चेक करता है कि ये गणित का काम है या कुछ और है। जैसे उसको मैथमेटिकल प्रॉब्लम मिलता है, वो सीधे ALU यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को भेज देता है, लो भैया तुम इसे सॉल्व करो। अब ये सॉल्व करता है और सीधे किसको देगा? सीयू को देगा, सीयू से लिया सीयू को देगा। अब सीयू मेमोरी को फिर से वही वापस करता है, यही प्रोसेस चलता है और स्क्रीन पर आता है, हम उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर का डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो है ही, आपके घर में टीवी, फ्रिज, जो भी बिजली से चलता है वो सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स एन इनपुट, इनपुट उसको लेना है, प्रोसेस उसकी प्रोसेस करना है, चेक करना है सही है गलत है जो भी है, उसके एक रिजल्ट तैयार करना है। ठीक है, एंड गिव्स द डिजायर्ड आउटपुट, जैसा हम रिजल्ट चाहते हैं वो उसे रिजल्ट हमें वो देता है, इसे ही हम कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इनपुट जो हम करते हैं उसे क्या कहते हैं। जो भी हम इनपुट यूनिट कीबोर्ड माउस से कंप्यूटर को कहते हैं ये काम करो वो काम करो, उसे हम कहते हैं इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? इंस्ट्रक्शंस। तो इंस्ट्रक्शन यानी कि आदेश, तो यहाँ पर छोटा सा मैं लिख देता हूँ INSTRUCTION, इंस्ट्रक्शन यानी कि आदेश। हम आदेश कंप्यूटर को देते हैं, वह उसे फॉलो करता है। ठीक है, प्रोसेस करने के बाद जो हमें आउटपुट देता है उसे हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन, INFORMATION। तो हमने दिया इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर का काम है प्रोसेस करके एक इंफॉर्मेशन देना। ठीक है, तो इसी इंस्ट्रक्शन को हम बोलते हैं डाटा। तो पहले डाटा होता है, उसकी प्रोसेस होने के बाद वो इंफॉर्मेशन में बदल जाता है, इसी प्रोसेस से ही कंप्यूटर काम करता है। ठीक है, थोड़ा सा डाटा इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में थोड़ा सा एक बाकी है, मैं इसको मिटा के आपको बताता हूँ। फुल फॉर्म ऑफ द कंप्यूटर, ओके, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। वैसे तो कंप्यूटर के फुल फॉर्म बहुत सारे हैं, आप किसी भी किताब में कहीं पर भी देखेंगे, इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको ढेर सारा फुल फॉर्म मिल जाएगा, सारे ही राइट है। यहाँ पर मैं छोटा सा कि फुल फॉर्म लिखता हूँ, जो आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, सी फॉर कॉमन, ओ से ऑपरेटिंग, एफ से है मशीन, MACHIN मशीन, पी से पर्टिकुलरली, PARTICULARLY particularly, ठीक है, यू से used, टी से ट्रेड, ई से एजुकेशन, अच्छा एजुकेशन के बाद जब आई है तो मैं आपको बता दूँ, एजुकेशन एक ऐसा वर्ड है जिसके अंदर हमारी
जितने भी अल्फाबेट्स है ए से लेकर जेड तक की, उसमें पांचों वायल्स होते हैं। वायल्स मतलब ए ई आई ओ यू। वैसे तो हमारे कंप्यूटर के चैप्टर में नहीं है, फिर भी आपको बता दूं, इसमें आपको ए भी मिलेंगे, ई भी मिलेंगे, आई ओ यू, पांचों वायल। एक ही शब्द ऐसा है जिसमें पांचों वायल होते हैं, और कहीं भी आपको पांचों एक साथ नहीं मिलेंगे। ओके, ठीक है। तो ई से एजुकेशन और आर से रिसर्च। अब आपका फुल फॉर्म की थोड़ी मीनिंग बता देते हैं। कॉमन, एक साधारण सा ऑपरेटिंग, चलाने वाला, ऑपरेट करने वाला मशीन, एक मशीन है, यंत्र है, इससे पर्टिकुलर यानी कि निश्चित रूप से यूज यूज्ड इस्तेमाल करते हैं। ट्रेड क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में? एजुकेशन, शिक्षा क्षेत्र में यूज़ करते हैं, और रिसर्च सेंटर में यूज़ करते हैं। यह है कंप्यूटर का फुल फॉर्म का डेफिनेशन। अगर आपको आपके टॉपिक पे कोई भी पूछना हो, जैसे कि आप कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं या कर चुके हैं, आपको अदर्स किसी टॉपिक पे पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स खाली वहाँ पे कमेंट कीजिए, आपके टॉपिक के ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो आज का चैप्टर यानी कि पहला चैप्टर है, किस टॉपिक के ऊपर? कंप्यूटर कोर्स हिंदी में आप सीखिए, पहला चैप्टर है। और अगले चैप्टर हम करेंगे, लगातार वीडियो बनती रहेगी, आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा सारे वीडियो। कंप्यूटर कोर्स हिंदी में इस नाम से वीडियो होगा, मतलब प्लेलिस्ट होगा। आप हर वीडियो को देखिए, पूरा देखिए, और घर बैठे अपना कंप्यूटर कोर्स करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।